चैप्टर हमें स्टार्ट करना है छोटा, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, कल तक पूरा हो जाएगा। आज स्टार्ट करेंगे कल पूरा। कशिश जेनेटिक्स जो है ना, वेनसडे पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। रेस्पिरेशन एक दिन का है, वो हो जाएगा। हाँ, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन मेन, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन। भाई इस चैप्टर में आपको ना टॉपिक्स कौन से मिले हुए हैं, चार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल, और उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बस ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें एड्स को पढ़ना है जो कि हमने पढ़ी है पहले से ही वायरस में। बाकी बचे आपके ये तीन टॉपिक्स, ये भी पढ़ाऊंगा मैं बहरहाल। तो ये तीन टॉपिक्स हैं, आज कोशिश करते हैं एक घंटे से ज्यादा क्लास नहीं लेते, क्योंकि सर राजेश ने बहुत अच्छा डोज दे दिया है सबको, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मूड था मेरा भी डेढ़ पौने दो घंटे क्लास लेकर फिनिश करें चैप्टर को, मगर हाँ, मगर आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह, हो सके तो, और उसके बाद ये बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा नहीं, दो घंटे नहीं लूंगा भाई, नहीं, मुझे खुद एहसास है कुलदीप, नहीं लूंगा, घंटे से ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अच्छा देखें, रिप्रोडक्शन की मीनिंग क्या है? रिप्रोडक्शन की मीनिंग है रिप्रोड्यूस करना, यानी एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। वो दो मेथड से हो सकता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, ऑफस्प्रिंग यानी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना। टू मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के, एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। बहुत अच्छे से डिफरेंस पढ़ा है हमने पहले से ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें एक पेरेंट हो, जिसमें गैमेट ना बने, जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, जिसमें जायगोट ना बने, जिसमें जो ऑफस्प्रिंग बने वो 100% पेरेंट टाइप का हो, क्लोन हो, जो माइटोसिस से बने, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पढ़ा हुआ है हमने, ये क्लियर है। ये रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ये आपकी ग्रोथ, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक हो गया भाई, बाइनरी फिशन बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लांट के टुकड़े कर लें, टुकड़ों से प्लांट पैदा होता है, फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। प्लांट की रूट लगाएं, स्टेम लगाएं, कोई टुकड़ा लगाएं, ग्राफ्टिंग कटिंग, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जिसमें दो पेरेंट हो, बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन होगा, दोनों अपने गेमेट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गेमेट को स्पर्म कहेंगे, इनके साथ ह्यूमन, फीमेल गेमेट को एग और ओवम कहेंगे। दो डिफरेंट पेरेंट हैं, डिफरेंट गेमेट होंगे, तो जो जायगोट बनेगा उस जायगोट में इंफॉर्मेशन किसी एक पेरेंट की नहीं होगी, टू डिफरेंट पेरेंट की इंफॉर्मेशन होगी, टू डिफरेंट पेरेंट के जीनोमिक कंटेंट होंगे, तो जो जायगोट से बच्चा पैदा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, वो पेरेंट से भी चेंज होगा, मेल पेरेंट से भी चेंज और फीमेल पेरेंट यानी मदर से भी चेंज, दोनों के कैरेक्टर होंगे, कुछ इसके कुछ उसके कुछ इंटरमीडिएट, मतलब चेंजिंग होगी, वेरिएशन होगी, एसेक्सुअल में नहीं होगी।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल में होगी या सेक्सुअल में नहीं होगी, तो मुझे बताएं कौन सा टाइप इवोल्यूशन के लिए बेस्ट है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल। ओके, हमें जो है ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है ह्यूमन के अंदर। ठीक है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है ह्यूमन के अंदर बस। तो आ जाएं, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो है हमारा। अच्छा, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी के लिए। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो जनरेशन वहां पे रुक जाएगी। एक अगर पूरी स्पेशी के पॉपुलेशन का रिप्रोडक्शन ना हो तो वो स्पेशी खत्म हो जाएगी दुनिया से। तो दुनिया में रहने के लिए, कंटिन्यूस चलने के लिए, इवॉल्व होने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। आ जाए भाई, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम कहते हैं जिसमें सारे ऑर्गन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आ जाएं। ऑर्गन एक की बात कह रहे हैं, ऑर्गन्स इसमें सारे मिलके एक काम करेंगे उसको सिस्टम कहेंगे। कौन सा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी सारे रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। कोई क्या कंट्रीब्यूट करेगा, कोई क्या, तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी लिस्ट बनाते हैं कि वो कौन से पार्ट पे मुश्तमिल है। नंबर वन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गोनेड्स हैं। गोनेड्स आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गोनेड्स उसको कहा जाता है जो गेमेट प्रोड्यूस करे भाई, जो गेमेट प्रोड्यूस करे उसे गोनेड कहा जाता है। तो गोनाड, गोनेड, मेल के अंदर टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस है, हमें पेयर ऑफ टेस्टिस पढ़ना है मेल के अंदर, मेल गोनाड। अगर फीमेल गोनाड की बात करें तो ओवरीज का पेयर। तो एक ये पार्ट हो गया जो कि हमें पढ़ना है। गोनाड के बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास, गोनाड के बाद दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है असेसरी डक्ट्स। कुछ नालियां हैं, कुछ ट्यूब्स हैं जो स्पर्म को ट्रांसफर करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी, स्टोर करेंगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो डक्ट्स उनके नाम में लिखूंगा, एक एक डक्ट के नाम लिखूंगा, सीक्वेंस से लिखूंगा, बल्कि अभी से स्टार्ट करते हैं, अभी से लिख लेते हैं सब डक्ट्स के नाम। पहली जो डक्ट हम पढ़ेंगे वो होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके बाद जो डक्ट होगी, अब पंजाब टेक्स्ट और सिंध में ये नहीं है, उसके बाद जो है रेटे टेस्टिस, ये पंजाब और सिंध में नहीं है, रेटे टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब के बाद एक डक्ट होगी, मैं नाम लिख रहा हूं, बाद में देखना कहां पे है, क्या काम है इनका। रेटे टेस्टिस के बाद एक और डक्ट है जो कि पंजाब और सिंध में नहीं है, फेडरल में है, केपीके में है और फेडरल में है, उसका नाम है वाज एफरेंशिया। और उसके बाद डक्ट है, यानी नीचे से आ रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उसके बाद है इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस के बाद है वाज डेफरेंस या डक्टस डेफरेंसेस भी इसको कहा जाता है। फेडरल में इसको डक्टस डेफरेंसेस कहा गया है और इसको मेन डक्ट कहा गया है। मेन डक्ट ये है वाज डेफरेंस, और इपीडिडाइमिस सबसे बड़ी डक्ट है, इपीडिडाइमिस सबसे बड़ी, हाईली कन्वोल्यूटेड, और ये मेन डक्ट। बाकी चीजें डिटेल में पढ़ा रहा हूं। वाज डेफरेंशिया एसटीबी में है, चलो होगी, मुझे याद नहीं था, होगी एसटीबी में भी। ठीक है, और वाज डेफरेंस के बाद हम पढ़ेंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट, जो कि इसका ही, वाज डेफरेंस का ही पार्ट है इजेक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इजेक्यूलेटरी डक्ट के बाद हम पढ़ेंगे
एक और डक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उस डक्ट का नाम क्या है, लास्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, यूरेथ्रा। सही, बस मैं तो नाम लिख रहा हूँ, अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा, नाम लिख रहा हूँ। स्टार्ट तो वहां पे फिगर बना के करेंगे, ठीक है, फिलहाल नाम सुनते जाएं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये डक्ट्स हैं, ये एसेसरी डक्ट हैं। उनके अलावा भाई, डक्ट्स के अलावा रिप्रोडक्टिव, इनका क्या काम होगा, स्टोर करना, प्रोड्यूस करना, स्पर्म को ट्रांसफर करना, ठीक है। पहली डक्ट ये है, टेस्टिस के अंदर है, और ये आखिरी ये है जो स्पर्म को बॉडी से बाहर भेजेगी। अच्छा, एक गोनाड हो गया पेयर का, यानी टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि गेमेट प्रोड्यूस करने वाले, दूसरे गेमेट को ट्रांसफर करने वाले, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं गेमेट ये प्रोड्यूस करेगा, और सेमिनिफिरस के बारे में कहूंगा ये गेमेट को प्रोड्यूस करेगा, तो ये सेमिनिफिरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर होंगी, ठीक है ना, मतलब टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफिरस ट्यूब के अंदर गेमेट बनेंगे। चलो, तीसरा जो पार्ट है एसेसरी डक्ट के बाद, ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम। ग्लैंड्स में एक ग्लैंड का नाम देंगे, एक ग्लैंड का सेमिनल वेसिकल, एक मिनट, एक ग्लैंड का नाम देंगे सेमिनल वेसिकल, ठीक है, और सेमिनल वेसिकल के बाद दूसरे ग्लैंड का नाम देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल दो होंगी, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होगा, और तीसरे ग्लैंड का नाम देंगे क्वापरस। और जो क्वापरस है इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहेंगे, ये भी दो होंगे, ये ग्लैंड है। और चौथे नंबर पर जो आखिरी पार्ट होगा वो होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी वो ऑर्गन जो जिनको फिजिकल अपीयरेंस हो, जो जाहिर हो बॉडी से, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, एक टेस्टिस के ऊपर कवर जिसको हम स्क्रोटम कहेंगे, स्क्रोटम, टेस्टिस के ऊपर जो कवर है, पाउच है, सेक है, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये बाहर वाला पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और दूसरा कॉपुलेटरी ऑर्गन, पेनिस, कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा उसका काम होगा स्पर्म को ट्रांसफर करना मेल बॉडी से बाहर, या मेल बॉडी से इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। तो ये भाई आपका एक टॉपिक का हेडिंग्स है, एक टॉपिक की आउटलाइन है, ये हमें चीजें पढ़नी है। अब ग्राफ बना के पढ़ते जाते हैं, देखें गौर से सुनना मेरी बात। यहां से स्टार्ट करता हूं, गोनाड से, टेस्टिस से। पहले मैं स्क्रोटम बनाऊंगा, उसके अंदर टेस्टिस होंगे, ठीक है। तो टेस्टिस कहां, किसके अंदर है, स्क्रोटम के अंदर। टेस्टिस एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको गोनेड कहा जाता है। ये गेमेट प्रोड्यूस करेगा, ये स्क्रोटम के अंदर होगा। टेस्टिस बॉडी के अंदर बनते हैं जब बच्चा बनता है, डेवलपमेंट के दौरान ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। जब बच्चा सातवें मंथ में बच्चा जब चलता है तो टेस्टिस एक ओपनिंग के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आता है इनटू द स्क्रोटम, और पूरी लाइफ जो है सातवें महीने के बाद बर्थ के बाद मरने तक कंप्लीटली जो टेस्टिस की जगह है वो बॉडी कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर। क्यों भाई, टेस्टिस बाहर प्रेजेंट हैं बॉडी के, रीजन ये है कि ये टेस्टिस 35 सेंटीग्रेड पर स्पर्म को बनाएंगे, यानी फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज 35, और ये बॉडी के अंदर कहीं भी नहीं मिल सकता, इसीलिए ये बॉडी के बाहर आ गए। मतलब स्क्रोटम इनका क्या करेगा, बैलेंस, टेस्टिस का क्या बैलेंस करेगा स्क्रोटम, टेम्परेचर, क्या बैलेंस करेगा, टेम्परेचर। रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड होता है, मैं भी भूल गया था, शायद लगाया था रिकॉर्डिंग या नहीं, चलो हो रहा है भाई। चलो
स्क्रोटम का काम भी पढ़ लिया, टेस्टिस का काम भी पढ़ लिया। अब देखें यहां पे मैं बना रहा हूं ये स्ट्रक्चर, ये भाई पाउच है, ये एक पाउच है जिसको हम कह रहे हैं स्क्रोटम, ये पाउच है, ठीक, ये पाउच हो गई जिसको हम नाम दे रहे हैं स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर ऐसे 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 छोटे छोटे पाउच हैं, छोटे छोटे पाउच हैं, कितने पाउच हैं ये छोटे छोटे 250 से 300, टेस्टिस के अंदर 250 से 300 पाउच हैं जिसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। कितने हैं भाई? 250 से 300 एक टेस्टिस के अंदर, और दूसरे में भी इतने टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, इन टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर भाई, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर एक ट्यूब्स हैं, टाइटली पैक्ड ट्यूब हैं, जो के कितने हैं, या तो एक है या तो दो हैं या तीन हैं, मैक्सिमम में मैक्सिमम चार हैं, यानी एक से लेकर चार तक फर्दर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर ट्यूब हैं, जिनको आप नाम दे रहे हैं क्या, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर क्या कहा हमने भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपके कहां पे हैं बताएं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, कितने हैं, एक के अंदर एक से लेकर चार, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं क्या कर रहा हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ऐसे बना रहा हूं, ये ऐसी ट्यूब है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, चलो एक मिनट, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ये हमारी बॉडी के अंदर ये सेमिनिफेरस क्या है, ट्यूब्यूल है, बड़ा करके बनाया मैंने। अब ये भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये दूसरा भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैंने बनाए, ठीक है। मुझे बताएं ये जो सेल्स हैं यहां पर अंदर वाले, अंदर वाले इनको क्या कहेंगे आप, एपिथेलियल सेल कहेंगे ना, हां क्या कहेंगे भाई, अंदर वाले, अंदर अंदर वाले सेल, ये जो मैं अब लाल लाल से बना रहा हूं ये वाले, क्या कहेंगे इनको, एपिथेलियल सेल, ल्यूमिनल साइड वाले, अंदर से एपिथेलियल। ये एपिथेलियल सेल कुछ होंगे क्या, कुछ होंगे जर्मिनल एपिथेलियल सेल, कुछ जर्मिनल होंगे, और इनमें से कुछ होंगे क्या, कुछ क्या होंगे, सर्टोली, क्या, सर्टोली, सर्टोली सेल को नर्स सेल भी कहा जाता है। अब बताएं जर्मिनल क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जर्मिनल क्या करेंगे, आप कहेंगे सर जर्मिनल को जब मैसेज आएगा तो ये माइटोटिकली डिवाइड होकर एक स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल बनाएंगे, एंडोथीलियल तो हैं, एंडोथीलियल, देखें ये इनर साइड से इनको एपिथीलियल कह सकते हैं आप, कहते हैं हैं, ठीक है ना। तो ये जर्मिनल क्या करेंगे, स्पर्म बनाएंगे यहां पे, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनेगी बाय जर्मिनल सेल, तो ये स्पर्म बनाएंगे, इनका मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे हम के हाउ इनसे स्पर्म प्रोड्यूस होगी। अभी पढ़ लें, अगर आपकी खोपड़ी काम कर रही है तो मैं ये अभी पढ़ा लूं आपको कि ये जर्मिनल सेल कैसे स्पर्म बनाते हैं। सुने भाई, सुने भाई, अच्छा एक और सेल का नाम सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं सारे बच्चे गौर से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं सारे बच्चे गौर से सुने, देखें ये पिंक कलर का मैं सेल बना रहा हूं, ये एक है कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा, यहां पे जो सेल्स हैं ये सेल्स कौन से हैं मुझे बताएं। आप कहेंगे सर इंटरस्टीशियल सेल्स हैं, ये कौन से सेल हैं भाई, ये कौन से सेल हैं दो सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच, आप कहेंगे सर इंटरस्टीशियल सेल्स,
या सर आप इनको और भी नाम दे सकते हैं, सर कौन सा, सर कौन सा नेम दे इनको, लेडिग सेल या लेडिन सेल। अब लोकेशन बताएं इंटरस्टीशियल की कहां पे है, तो मैं आगे चलूंगा। इंटरस्टीशियल की कहां पे है, और दो, सर्टोली यानी नर्व सेल की कहां पे है और जर्मिनल सेल की कहां पे है। जर्मिनल और सर्टोली दोनों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और सर्टोली सॉरी लेडिग बाहर। ओके वेरी गुड। अब सुने मेरी बात, आपने इंटर पढ़ी हुई है इंटर, तो मुझे बताएं आपकी खोपड़ी के अंदर पिचूटरी ग्लैंड है। पिचूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस मैसेज देता है, पिचूटरी के पास कौन सा हार्मोन आएगा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन। हां भाई हाइपोथैलेमस से नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन नहीं भाई क्यों, हाइपोथैलेमस LH और FSH, हाँ ये तो पिचूटरी सीक्रेट करता है। GnRH गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, भूल गए इंटर आप, खोपड़ी आपकी उड़ गई है, स्क्रू आपकी खोपड़ी के ढीले हो गए हैं, ठीक है ना, थोड़े टाइट कर लें। ग्रोथ नहीं, GnRH गोनेडोट्रॉफिन हार्मोन, मैं भी भूल रहा हूं, गोनेडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। बहरहाल ये मैंने ऐसे बात कही, इसको भूल जाएं। एक और बात सुने मेरी मैसेज आया किसके पास, पिचूटरी के पास। एंटीरियर पिचूटरी ने हार्मोन भेजा, क्या भेजा, हार्मोन FSH। कौन सा हार्मोन, FSH। FSH हार्मोन ने आकर मैसेज दी सर्टोली सेल को और जर्मिनल सेल को। FSH ने मैसेज भेजी किसको, जर्मिनल सेल को, सर्टोली सेल को, कि ये काम करें, देखेंगे ये क्या काम करेंगे। अच्छा सुनिए, और दूसरा हार्मोन आया LH। LH का फुल फॉर्म बताएं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH का नाम क्या है भाई, हार्मोन को याद ना करें, केमिकल कोऑर्डिनेशन में मैं पढ़ा लूंगा, इनका काम याद कर लें, बस इनका काम याद कर लें, इन सेल्स का कैसे काम करते हैं, इनको छोड़ें आप बस। काफी बच्चों की इंटर नहीं पड़ी हुई तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, सुने मेरी बात, के इन इंटरस्टीशियल सेल के पास हार्मोन आएगा जिसका हार्मोन का नाम है पिचूटरी से आएगा LH, और LH को पता है यहां पे क्या कहते हैं, LH को यहां पे कहते हैं ICSH। फुल फॉर्म बताएगा कौन, आप कहेंगे सर लिखा तो हुआ है, आई स्टैंड फॉर इंटरस्टीशियल, सी स्टैंड फॉर सेल, एस स्टैंड फॉर स्टिमुलेटिंग, एच स्टैंड फॉर हार्मोन, इंटरस्टीशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसको कह रहे हैं भाई आप, ये LH को मेल के अंदर ये नाम दिया जाता है, LH को फीमेल के अंदर LH, मेल के अंदर ICSH कहा जाता है LH को। समझ आई बात, कहां से LH निकला भाई, LH कहां से निकला, पिचूटरी से, इंटीरियर पिचूटरी से, कहां पे आया, टेस्टिस के अंदर, कौन से सेल पर, लेडिग सेल पर यानी इंटरस्टीशियल सेल पर, इसको बटन लगाया इसने, मैसेज दिया, तो ये लेडिग सेल, ये इंटरस्टीशियल सेल हार्मोन प्रोड्यूस करेगा अब टेस्टोस्टेरोन। क्या पैदा करेगा, ये लेडिग सेल प्रोड्यूस करेगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक काम क्या है, स्पर्म की प्रोडक्शन ये करवाएगा, स्पर्म की प्रोडक्शन ये करवाएगा, कैसे भाई, इसका तो काम ही नहीं। आप कहेंगे सर ये हार्मोन कहां पे जाएगा, मैं नहीं बताता भाई, आप बताएं, ये टेस्टोस्टेरोन इन सेल से प्रोड्यूस होकर कहां पे जाएगा, जर्मिनल पर या सर्टोली पर। हां भाई टेस्टोस्टेरोन का बताएं, क्यों नहीं बताते, आप कहेंगे सर जर्मिनल सेल के पास जाएगा, इनको मैसेज देगा भाई स्पर्म बनाओ, मुझे मैसेज आया है बॉस का, है ना, है ना, यही बात है ना। चलें
चले आ जाएं। टेस्टोस्टेरोन जर्मिनल सेल पे जैसे आएगा, जर्मिनल सेल डिवीजन कर देंगे स्टार्ट, डिवीजन कर देंगे स्टार्ट, और जो डिवीजन होगी उसको भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। बस जो डिवीजन होगी उसको स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे कि डिवीजन कैसे होगी। ठीक हो गया, चलें आगे, चलें भाई चलें। अब सर्टोली सेल क्या करेंगे? सर्टोली का काम तो पढ़ा ही नहीं हमने। इन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस की इसके कहने पर, और ये मैसेज इनका है, इनको पिचुटरी का एलिश ने कहा है ना, ये बातें पढ़ी हमने। पिचुटरी हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा पिचुटरी को, पिचुटरी ने मैसेज भेजा लैडिंग सेल को, इंटरस्टिशियल को उसने मैसेज भेजा, जर्मिनल सेल को, जर्मिनल ने स्पर्म प्रोड्यूस की। भाई रोक लें स्पर्म प्रोडक्शन को, इतने रेट पे स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, ये काम कौन करेगा? स्पर्म को रोकना, कंट्रोल करना, नॉर्मल रेट पे स्पर्म प्रोडक्शन करवाना इज द फंक्शन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। इट मींस सर्टोली क्या पैदा करेगा भाई, सुन लें, सर्टोली को नर्स सेल कहते हैं। नर्स क्या करती है? नर्स का काम है फीडिंग करवाना, ठीक है ना, फीडिंग करवाना। तो ये एक फ्लूड प्रोड्यूस करेंगे नर्स सेल, क्या करेंगे नर्स सेल? फ्लूड प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे? एक प्रोड्यूस करेंगे फ्लूड, और दूसरा काम करेंगे एक हार्मोन प्रोड्यूस जिसका नाम होगा इनहिबिन। इनहिबिन इज अ हार्मोन विच क्या करेगा? हाँ भाई कमेंट में बताएं, नाम से समझ गए? टेस्टोस्टेरोन वाले जर्मिनल सेल्स को, जर्मिनल सेल को कहेगा भाई इतने रेट पे स्पर्म प्रोड्यूस करें, रोक लें अभी, बस कंट्रोल करेगा द रेट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन कौन करवा रहा है, उसके रेट को कंट्रोल कर रहा है, ये जवाब दें तो मैं आगे चलूं। वेटिंग फॉर योर आंसर। गुड, हाँ भाई सर्टोली का काम बताएं। सर्टोली ने फ्लूइड प्रोड्यूस किया और इनहिबिन प्रोड्यूस किया, इनहिबिन जर्मिनल सेल को इनहिबिट करेगा कि भाई रोक लें स्पर्म प्रोड्यूस, अब कम कर लें, इतने रेट में करें, इतनी जरूरत है। तो जितना इनहिबिन प्रोड्यूस होगा उतना रेट कंट्रोल होगा, जितना ज्यादा उतनी इनहिबिशन ज्यादा होगी, जितना कम उतना स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ये रेट को बैलेंस करेगा। फ्लूइड क्या है भाई, गौर से सुने, ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड के अंदर भाई न्यूट्रिएंट है, इस फ्लूइड के अंदर फूड है, इस फ्लूइड के अंदर मिनरल्स हैं, किसके लिए? स्पर्म सेल के लिए। भाई स्पर्म जो पैदा होगा वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सेल नहीं है, रिस्पायर नहीं करेगा, फूड नहीं चाहिए, चाहिए तो ये फूड प्रोड्यूस, ये लिक्विड जो है वो स्पर्म सेल के लिए फूड भी है, और इस लिक्विड में स्पर्म सेल तैरेगा, स्विमिंग करेगा। तो मैं कहूं मिनरल न्यूट्रिएंट भी ये देगा, मतलब नर्स सेल, सही कहा ना इसको, नर्स सेल ये है, रेगुलेटरी भी ये है, नर्स भी ये है, स्पर्म रेगुलेटरी सेल ये है, नर्स सेल भी ये है। अच्छा मैं कहूं कि मूवमेंट में हेल्प करेगा, लोकोमोशन का मीडियम देगा, मूवमेंट करने का मीडियम देगा, मीडियम देना, वेरी गुड, उस फ्लूइड में तैरने की हेल्प करेगा। फ्लूइड नहीं होगा तो स्पर्म कैसे मूव करेगा? चलें भाई आगे चलें। अगर मैं पूछूं जैसे स्पर्म बने हैं, जैसे स्पर्म बने हैं, पहले पहले फूड किसने दिया, पहले पहले मूवमेंट किसने करवाई, कौन से सेल्स ने? आप कहेंगे सर सर्टोली ने, नर्स सेल ने। ओके सर, भाई ये आपका हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का किस्सा खत्म, सारी चीजें रिगार्डिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कवर कर दी हमने। अब निकलें बाहर, अब सर अब क्या बात है, सुने, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट बचा है, अब क्या बचा है, अब थोड़ी बातें बची हैं। देखें अब हम आते हैं, ये भाई ये एक और ट्यूब्स हैं, ये और ट्यूब्स हैं कुछ, ये ट्यूब क्या करेंगे, ये निकले हैं किससे, किससे निकले हैं, ये निकले हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। इन छोटे छोटे ट्यूब्यूल का नाम है रेटे टेस्टिस, इनका नाम क्या है, इनका नाम है रेटे टेस्टिस।
ये जो है इनका नाम है रेटे टेस्टिस। तो ये रेटे टेस्टिस जो है, ये रेटे टेस्टिस आ गए सारे। रेटे टेस्टिस एक ओपनिंग में ओपन होंगे, एक ट्यूब्स के अंदर ओपन होंगे, और इस ट्यूब का नाम होगा, जो मैं रेड से बना रहा हूं, इसका नाम होगा वाजिफ्रेंशिया। इसका नाम क्या होगा? वाजिफ्रेंशिया। ये हो गए रेटे टेस्टिस, ठीक हो गया। ये दूसरा नंबर रेटे टेस्टिस, ठीक हो गया। ये रेटे टेस्टिस हो गए। ये फर्स्ट नंबर सेमिनिफिरस, और ये तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ये वाला तीसरा नंबर क्या हो गया? वाज इफरेंशिया। भाई सुने, फेडरल वाला आपको कहेगा कि स्पर्म की मैच्योरेशन रेटे टेस्टिस में होगी, मगर पंजाब के अकॉर्डिंग, फेडरल के अकॉर्ड, पंजाब के अकॉर्डिंग और बाकी बुक्स के अकॉर्डिंग स्पर्म की मैच्योरेशन कहां पे होगी? फेडरल के अकॉर्डिंग रेटे टेस्टिस में मैच्योरेशन होगी, फर्दर मैच्योरेशन, मगर ये किसी भी बुक में जिक्र नहीं है। इसीलिए आपको अगर रेटे टेस्टिस आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ऑप्शन में आपको इपिडिडाइमिस करना है, इपिडिडाइमिस करना है। इपिडिडाइमिस में स्पर्म की मैच्योरेशन होगी, फाइनल। आ जाएं भाई, आ जाएं। ये वाजिफ्रेंशिया, और जो वाजिफ्रेंशिया है ये अब खुलेगा एक लंबी सी ट्यूब के अंदर, एक जो 20 फीट यानी 6 मीटर लंबी क्वाइल्ड फीट होगी, जिसका नाम होगा, जिसका नाम क्या होगा? ये क्वाइल्ड ट्यूब है, जिसका नाम है क्या भाई? कहा हमने इपिडिडाइमिस। यहां तक वाजिफ्रेंशिया तक टेस्टिस के अंदर चीजें हैं, वाजिफ्रेंशिया तक चीजें टेस्टिस के अंदर हैं। अब हम टेस्टिस के बाहर जा रहे हैं। ये जो इपिडिडाइमिस है ये टेस्टिस है, ये इपिडिडाइमिस ऐसे टेस्टिस के ऊपर है, इसीलिए इसको इपिडिडाइमिस कहते हैं। और ये हाईली कन्वोल्यूटेड है, फोल्डेड है। 20 फीट इसकी साइज है, यानी 6 मीटर इसकी साइज है अप्रोक्सीमेटली इसकी। ये हाईली कन्वोल्यूटेड है और सबसे लंबा ट्यूब है ये इपिडिडाइमिस। और हाँ, बिल्कुल कोलाइडल है, बहुत सारा क्वाइल्ड है। ये इपिडिडाइमिस क्या करेगा भाई? नंबर 4, इपिडिडाइमिस क्या करेगा? स्पर्म को स्टोर करेगा, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। स्पर्म को जो है ये क्या करेगा? मैच्योर करेगा, ठीक है। ये इसके काम है, ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा और मैच्योर करेगा। इपिडिडाइमिस टेम्परेरी स्टोर ये करता है। यहां पे जाते जाकर स्पर्म स्टोर होते हैं, जो बने हुए स्पर्म होते हैं ना, वो यहां पे स्टोर होते हैं इपिडिडाइमिस पर। जब स्टिमुलेशन आती है, सेक्स स्टिमुलेशन, तो जो स्पर्म निकलते हैं मेल बॉडी से, तो ये सेमिनिफिरस से नहीं निकलते, पैदा हुए हुए जो इपिडिडाइमिस में पड़े होते हैं वहां से निकलते हैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अतर ने कहा नरिश भी, हाँ नरिश भी देना इसका भी काम है, नरिश करना भी इसका काम है, नरिश करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, मैच्योर करना, ये इसके काम है इपिडिडाइमिस के। फाइनल स्टोरेज भाई ये है। इसके बाद जब स्पर्म निकलेगा तो बॉडी से बाहर जाएगा, फिर कहीं स्टोर नहीं होगा, फिर कहीं स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना? ओके, चलो। ये इपिडिडाइमिस हो गया ब्लैक कलर का जो हमने बनाया, नंबर 4 इसको दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं नंबर 4, ठीक है। ये नंबर 4 हो गया इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस के बाद भाई, इपिडिडाइमिस के बाद आते हैं हम, ये एक ट्यूब है, नहीं नजर आ रही मार्कर, ये मार्कर का कलर चेंज कर रहे हैं, कौन सा? हाँ भाई, ये जो इस डक्ट है, ये जो डक्ट जा रही है ऊपर, ये डक्ट, इसे कहते हैं
वाज डिफरेंस, क्या कहते हैं, वाज डिफरेंस, ठीक है, ये वाज डिफरेंस है, ये वाज डिफरेंस है। पता है ये कहां पे है, ये आपका ये ब्लेडर है, ये आपका ब्लेडर है, ब्लेडर मतलब ब्लेडर मसाना, जहां पे यूरिन स्टोर होता है, ठीक है, ये ब्लेडर है, ब्लेडर से ये ओपनिंग निकल रही है, ट्यूब निकल रही है, इसका नाम बताएं, ब्लेडर से जो ट्यूब निकलती है उसका नाम बताएं भाई कमेंट में जल्दी जल्दी। इस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा, इस ट्यूब का नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या हो गया, ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, यहां पे यूरिन, ये कौन सी जगह है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और ये एब्डोमिनल कैविटी में, ब्लेडर कहां पे, एब्डोमिनल कैविटी में नीचे नीचे ब्लेडर है, जहां पे यूरिन स्टोर होता है, यूरिनरी सिस्टम का है, किडनी से रिलेटेड है ये। अब वास डिफरेंस कहां से जा रही है, एपिडिडाइमस से निकलकर बॉडी कैविटी में अंदर जाकर किसको कवर कर रही है, ब्लेडर को, ब्लेडर से टर्न करके नीचे आ रही है, ये स्पर्म लेकर जा रही है, ये स्पर्म लेकर जा रही है ब्लेडर से। अब सुने, एपिडिडाइमस कितने होंगे बताएं, एक या दो, हां भाई एपिडिडाइमस कितने होंगे, दो, क्यों, एक टेस्टिस से एक निकलेगा, दूसरे टेस्टिस से दूसरा निकलेगा, भाई भाई ये देखें, ये जो है ना एक टेस्टिस बना, दूसरा इधर से बनेगा, ये साइड व्यू बनाया है, ये साइड व्यू, एक टेस्टिस है फिर दूसरा होगा, एक एपिडिडाइमिस ऐसे कवर करेगा तो दूसरा ऐसे कवर करके आएगा, यानी दोनों निकलकर ब्लेडर से कवर करके आएंगे, दोनों ब्लेडर से कवर करके आएंगे, बात समझ आई। वाज डिफरेंशिया का काम, मलिक अरसलान मुझे आप बताएं ना, मलिक अरसलान आप बताएं कि वाज डिफरेंशिया यानी डक्टस डिफरेंसेस, इसको पांचवा नाम दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं पांचवा नाम, ठीक है, मतलब वाज डिफरेंस। आप कहेंगे सर ये एपिडिडाइमिस से स्पर्म कलेक्ट करके जाएगी, बस स्पर्म को ट्रांसफर, ये समझना है कहां से शुरू हो रही, कहां पे गई, किसके ऊपर से कवर लगा के आई है, अब ये नहीं पढ़ाया खत्म कहां पे होगी, और ये तो आप समझ गए होंगे कि स्पर्म ट्रांसफर करेगी, ठीक हो गया। देखें भाई यहां के, यहां पे एक वेसिकल है, कहां पे, ये जो ब्लेडर है, ब्लेडर के साथ एक वेसिकल है, इसका नाम है सेमिनल वेसिकल, क्या, सेमिनल वेसिकल, बताएं ये क्या है, डक्ट है या ग्लैंड है, डक्ट है या ग्लैंड है, डक्ट है या ग्लैंड है, ग्लैंड है भाई, ये ग्लैंड है, पहला पहला ये ग्लैंड है, और पेयर में है, ये भी पेयर में है, सेमिनल वेसिकल, यानी यहां से मैक्सिमम सेमिनल फ्लूइड बनेगा, इसीलिए इसको कहा गया है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल फ्लूइड क्या है, मैं पढ़ा रहा हूं सुने, एक है स्पर्म, एक है सेमिनल फ्लूइड, स्पर्म सेल्स हैं, सेमिनल फ्लूइड मिल्की वाइट कलर का फ्लूइड है बेसिक नेचर का। अब भाई यूरेथ्रा से यूरिन पास होता है तो ये भी एसिडिक, ये स्पर्म, अगर स्पर्म पास हो जाए तो एसिडिक फूड, एसिडिक जगह, एसिडिक मीडियम स्पर्म के लिए खतरनाक है, तो स्पर्म को क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए या नहीं, यूरेथ्रा से पास होने के लिए एसिडिक है ना यूरेथ्रा, तो स्पर्म को ऐसा फ्लूड चाहिए जो बेसिक मीडियम का हो, तो जो सेमिनल फ्लूड है जो इस ग्लैंड से और बाकी दो ग्लैंड से बनेगा, प्रोस्टेट और कॉपरस से, वो कौन सा होगा, बेसिक होगा। फायदा क्या होगा उसका, उसमें फूड भी होगा, न्यूट्रिएंट भी होगा, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ दैट फ्लूड इज दैट प्रोवाइड बेसिक मीडियम, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा वेजेना सर्वेक्स। भाई ये भी एसिडिक है तो फीमेल बॉडी का वेजिनल ओपनिंग एंड ये सर्वेक्स भी एसिडिक है, तो कंप्लीटली जर्नी जो है स्पर्म की वो एसिडिक मीडियम से है, तो स्पर्म के साथ फ्लूड कौन सा होना चाहिए, बेसिक, इसीलिए तो फ्लूड होता है फिर भी स्पर्म मर जाते हैं,
मिनिमम 6 से 7 स्पर्म सेल बचकर एग तक पहुंचते हैं, जिनमें से एक फर्टिलाइज करता है। इतनी एसिडिटी है, 6 से 7 बचते हैं फ्रॉम द मिलियन स्पर्म्स। ओके ओके भाई, एसिडिक मीडियम की वजह से स्पर्म मर जाते हैं। और म्यूकस का भी रोल है, अगर फीमेल बॉडी की के अंदर म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, ज्यादा डेंस हो, तो भी स्पर्म सही मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो डिसऑर्डर में हम पढ़ेंगे म्यूकस की थिकनेस का, सर्वेक्स की थिकनेस का रोल होता है। हाँ भाई, स्पर्म अब कहां पे पहुंची है? सेमिनल वेसिकल पर पहुंची है। ये देखें, ये मैं कौन सी डक्ट बना रहा हूं, ये मैंने कौन सी डक्ट बनाई थी भाई, ये कौन सी डक्ट थी? ये वाज डिफरेंस थी। ये वाज डिफरेंस देखें, सेमिनल वेसिकल से कुछ मटेरियल लेकर आ रही है, आ रही है कहां पे? यूरेथ्रा में एंटर हो रही है। बुक वालों ने अजीब और गरीब तरीके से लिखा है। अच्छा, ये जो डक्ट आ रही है, ये सेमिनल वेसिकल के बाद जो है, इसका नाम है क्या? इजेक्यूलेटरी डक्ट। क्या नाम दिया है, नंबर दिया है इजेक्यूलेटरी डक्ट को? 5 और ये 6 नंबर पे है आपकी इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट इज अ पार्ट ऑफ वाज डिफरेंस, इसका पार्ट है, आप सेपरेट भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इजेक्यूलेटरी डक्ट वाज डिफरेंस का पार्ट है, जो सेमिनल फ्लूड से, सेमिनल वेसिकल से क्या लेगी? सेमिनल फ्लूड। तो सेमिनल फ्लूड कहां पे बनेगा? सेमिनल वेसिकल्स में बनेगा। और ये स्पर्म वाज डिफरेंस से आएगी, सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूड लेगी, फिर जो डक्ट है उसको नाम क्या देंगे? फिर वाज डिफरेंस को नाम देंगे इजेक्यूलेटरी डक्ट। ये इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है, ये ओपन होती है यूरेथ्रा में, मगर मैं कह रहा था बुक वालों ने अजीब और गरीब तरीके से लिखा है। क्या लिखा है बुक वालों ने, गौर से सुने, बुक वालों ने भाई ये लिखा है, क्या लिखा है? बुक वाले कह रहे हैं कि यहां पे यूरेथ्रा के अराउंड एक ग्लैंड है, यूरेथ्रा के अराउंड एक ग्लैंड है, जिसको नाम दे रहे हैं प्रोस्ट्रेट। प्रोस्ट्रेट सही सही लिखा है बुक वालों ने ये। और क्या लिखा है, किसी ने कहा है इजेक्यूलेटरी डक्ट एंटर इनटू द प्रोस्ट्रेट। हाँ, ये भी सही है, पहले एंटर इनटू द प्रोस्ट्रेट, फ्रॉम द प्रोस्ट्रेट डायरेक्टली ओपन इनटू द प्रोस्ट्रेट आर यूरेथ्रा। ओपन कहां पे हो रही है? यूरेथ्रा में। तो प्रोस्ट्रेट में इंटर होकर, प्रोस्ट्रेट से जाकर इंटर हो रही है यूरेथ्रा में, ये चीज है, ओपन और इंटर होने का मसला है, फटा है ये, यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। अब मुझे बताएं, यहां पे एक स्फिंक्टर होता है जो के जब स्पर्म आती है तो वो बंद हो जाता है ताकि यूरिन पास ना हो, जब यूरिन पास होती है तो वो स्पर्म को बंद करता है कि स्पर्म ना आए। इस स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है, ये कंट्रोल करेगा मूवमेंट ऑफ यूरिन और मूवमेंट ऑफ स्पर्म, ये स्फिंक्टर है। अच्छा, स्फिंक्टर यूरिनरी ब्लेडर का ये स्फिंक्टर है, मतलब यूरेथ्रा का काम क्या हुआ बताएं, क्या पास करना यूरेथ्रा का काम है, क्या पास करना? हाँ भाई, यूरेथ्रा का काम बताएं। आप कहेंगे सर यूरेथ्रा का काम है यूरिन को भी पास करना, स्पर्म को भी पास करना। अच्छा, स्पर्म ना कहें हम, अब स्पर्म ना कहें, अब कहें सेमिन। अब क्या कहें? सेमिन। सेमिन का मतलब है स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूड। सेमिन का मतलब है स्पर्म एंड सेमिनल फ्लूड। तो ये सेमिन को भी पास करेगा और यूरिन को भी पास करेगा और ये मेल में बड़ा होगा, इसको कहेंगे यूरिनो, मतलब यूरिन को पास करेगा। जेनिटियल डक्ट, जेनेटिक मटेरियल गैमेट को भी पास करेगा, यानी गैमेट्स को, सेमिन को और स्पर्म को दोनों को पास करता है, इसीलिए मेल में यूरेथ्रा को यूरिनो जेनिटियल कहेंगे, मगर फीमेल में नहीं, फीमेल में नहीं भाई, फीमेल में इसको यूरिनो जेनिटियल डक्ट नहीं कहेंगे। ठीक हो गया, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बचा? डक्ट्स आपके क्लियर हो गए। अब ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी सेमिनल फ्लूड प्रोड्यूस करेगा थोड़ा बहुत, एक है, कहां पर है? अराउंड द यूरेथ्रा है।
ठीक है, और जहां पे इजेक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो रही है वहां से नीचे यूरेथ्रा पर एक पेयर है दूसरा ग्लैंड का, और ये जो ग्लैंड का पेयर है इसको क्या कहते हैं भाई बताएं, इसको क्या कहते हैं, इस ग्लैंड को, तीसरे नंबर ग्लैंड को? आप कहेंगे सर इसको ग्लैंड को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल या क्वापरस, क्वापरस या बल्ब टाइप, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये दो हैं, ये भी सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे। तो मिला के तीनों ग्लैंड ने क्या किया, सेमिनल वेसिकल ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने और क्वापरस ग्लैंड ने सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस किया, और सेमिनल फ्लूइड प्लस स्पर्म जो आई थी उन सब को मिला के हम सेमिन कहते हैं। ये सेमिन पास हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड थ्रू द कॉपुलेटरी ऑर्गन पेनस। तो पेनस जो है वो स्टार्ट होता है बॉडी के अंदर से, और ये जो पेनस है मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फिजिकल अपीयरेंस है इसको, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर दो किस्म के रीजन होते हैं, इस रीजन को हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स और शाफ्ट कहते हैं, दो रीजन है, और ये बीच में इसके अंदर यूरेथ्रा है जो कि ओपन होगी बाहर, यूरिन को भी पास करेगी और स्पर्म को भी पास करेगी। अब इसके अंदर बुक वाले ने लिखा है कि इस पेनस के अंदर टिश्यू होंगे स्पंजी टिश्यू, स्पंजी टिश्यू होंगे जो पानी से, ब्लड से, ब्लड से जब भर जाएंगे तो इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगी, तो इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स भी हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स भी हैं, इरेक्टाइल मसल उसको कहते हैं, इरेक्टाइल मसल हैं जो कि इरेक्शन में रोल प्ले करती हैं, और इसमें स्पंजी टिश्यू भी हैं, ठीक है। ओवरऑल ये आपका हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक बात बची कि स्पर्म कैसे बनती है, ये डिटेल्ड टॉपिक बचा जो कि हम कल पढ़ेंगे, आज थोड़ा देख लेते हैं किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ये लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन का शॉट, ये हो गया स्क्रीन का शॉट, ठीक है, अब आप भी ले लें भले, और हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि बना हुआ है, जल्दी जल्दी 10 मिनट में हम कवर कर लेंगे उसको, और ये पूरा हो जाएगा जल्दी में भाई। मुझे 45 मिनट हुए हैं, 15 मिनट दें, 45 मिनट हुए हैं मुझे, 15 मिनट और दें, मैं 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा आपसे। देखना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हमें पढ़ना है अभी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें हम, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये स्पर्म भी प्रोड्यूस करेगा और बेबी की डेवलपमेंट भी ये करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चलाएगा, एग भी प्रोड्यूस करेगा और बच्चे को भी डेवलप ये करेगा। तो इसके इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ज्यादा है एज कंपेयर टू द मेल। एग प्रोड्यूस करेगा ओवम, ठीक है। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे में क्या है, एक आ जाएंगे गोनेट्स जो कि हम ओवरीज को कहेंगे, उसके बाद आ जाएगी आपकी ओविडक्ट ट्यूब, ओविडक्ट ट्यूब जो कि दो होंगी, ओवरी भी गोनेट्स दो होंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या, यूटेरस, यूटेरस जिसके अंदर बेबी डेवलप होगा ये एक होगी, यूटेरस के बाद एक रीजन होगा सर्वेक्स, सर्वेक्स और गेटवे रीजन है प्रेगनेंसी को होल्ड करने में, सर्वेक्स का रोल पढ़ेंगे, और वेजेना आखिरी रीजन होगा। ये टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आपके सामने बना हुआ है। देखें ये ओवरी, ये एक ओवरी, दो ओवरी हैं भाई, ठीक, दो ओवरी यानी गोनाड्स, और ये फेलोपियन ट्यूब यानी इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं इसको, और ये यूटेरस। ओविडक्ट कितने हैं, एक, ये दो, फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, ठीक है, ये दो, और ये यूटेरस, यहां से यहां तक के रीजन को यूटेरस कहते हैं, सर्वेक्स समेत यूटेरस कहते हैं, यहां तक ये यूटेरस है, सर्वेक्स इज अ पार्ट ऑफ यूटेरस,
नेरो पार्ट ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज सर्वेक्स। तो सर्वाइकल केनाल ये यूटेरस का पार्ट आ गया यहां तक। ये जो नीचे पार्ट है ये वेजेना है। देखें भाई, वेजेना एक ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म इंजेक्ट होगी, इंटर होगी, इंसेमिनेशन होगी, इंट्रेंस ऑफ स्पर्म होगा, कॉपुलेशन के लिए यूज होगा, इंजेक्शन ऑफ स्पर्म के लिए होगा, और ये बर्थ केनाल का हिस्सा है। यहां से बच्चे की बर्थ होगी। बर्थ केनाल में कौन कौन आएंगे? वेजिनल ट्यूब भी आएगी, सर्वाइकल केनाल भी आएगी, और स्पर्म को ट्रांसफर होने में भी वेजिना और सर्वेक्स का काम है। देखेंगे स्पर्म कहां तक हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। स्पर्म यहां से आएगा और यहां से चला जाएगा सीधा, यहीं कहीं पर फर्टिलाइजेशन होगी, यानी ओविडक्ट में। तो मैं पढ़ा रहा हूं, चलें स्टार्ट करें। अब स्टार्ट करते हैं ओवरी से। स्टार्ट लेते हैं भाई ओवरी से, जल्दी में सुन लें, खोपड़ी खोल के बैठे, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, सुने। ओवरी, ओवरी गोनाड है, दो हैं ओवरी, एक राइट एक लेफ्ट, एब्डोमिनल कैविटी में है, लोअर साइड में है, ठीक है। साइड में ओवरीज प्रेजेंट हैं, ओवरी की साइज है 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ। ये विड्थ जो है ये कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये है भाई 3 से 5 सेंटीमीटर। ओवल शेप है ओवरी के अंदर। अगर यहां पे मैं ओवरी को बढ़ा करके बनाऊं, ये ओवरी बनाई मैंने, तो ओवरी के अंदर क्या होगा? स्मॉल 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 होंगे एक पाउचेस। पता है इन पाउचेस को क्या कहते हैं? इन पाउचेस को कहते हैं फॉलिकल्स। क्या कहते हैं भाई इन पाउच को? फॉलिकल। और पता है अगर इस फॉलिकल को मैं बाहर बनाऊं बड़ा करके, तो फॉलिकल के अंदर एक होता है सेल। फॉलिकल बहुत सारी होती हैं, और इस फॉलिकल के अंदर एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं ऊसाइट। क्या कहते हैं? ऊसाइट, यानी अनमेच्योर एग। जब ओवरी क्या पैदा करेगी? एग मेच्योर करके। ये ऊसाइट अनमेच्योर है, मेच्योर होके प्रोड्यूस होगा। एवरी मंथ ब्रेन के कहने पर दोनों ओवरी में से एक ओवरी एक एग प्रोड्यूस करेगी मेच्योर करके। यानी ये जो फॉलिकल है रप्चर होगी, जब इसमें एग मेच्योर हो जाएगा ये टूटेगी, इसके टूटने के बाद एग निकलेगा बाहर। एग जो निकलेगा ये सेल, इसको हम क्या कहेंगे? ओवम कहेंगे या मेच्योर एग कहेंगे। और खाली जो बचेगी वो क्या बचेगी भाई? खाली क्या बचेगी? एग के निकलने के बाद फॉलिकल, तो उसे कहेंगे कार्पस ल्यूटम। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे कार्पस ल्यूटम। फिर ये सिक्रेटरी काम करेगी। कौन सा काम करेगी? सिक्रेशन में रोल प्ले करेगी, सिक्रेशन करेगी भाई। क्या क्या करेगी बताता हूं। वकार वकार हृदय आधा काथे यहां, ये सिक्रेशन में रोल प्ले करेगी। और बच्चों ने कमेंट किया है कि प्रोजेस्टिरोन पैदा करेगी, बिल्कुल सही बात है। और प्रोजेस्टिरोन का क्या काम है हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। पानी भरिया यार, पानी प्यार सुठो, थकी पयो आ हा हा, ताजो थदो न होजे न त गलो वेंदो हलो असारो। देखें भाई, हाँ भाई, फॉलिकल को क्या कहा? एग के निकलने के बाद एग, फॉलिकल माइनस मैच्योर एग इज इक्वल टू कार्पस ल्यूटम, और प्रोजेस्टिरोन पैदा करेगी। हाँ, अब सवाल आएंगे, सर दोनों एग बनते हैं कभी कभी? यही भाई, ये एरर होती है, ये हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। कभी कभी दो एग एक ओवरी से बनते हैं, कभी एक ओवरी दूसरी एट अ टाइम एग देती है, ये हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोन में पढ़ेंगे। जनरल एक ओवरी एक मंथ में एक एग देती है। ओके, जब एक ओवरी से निकलेगा, इस प्रोसेस को कहेंगे ओव्यूलेशन, और ये मंथ के 14th डे पे प्रोसेस होगा। 14th डे, 14वें दिन एग निकलेगा ओवरी से बाहर, और उस एग को कैच कर लेगा कौन? फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। बाय द प्रोसेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। देखें ओविडक्ट में हैं ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स फिंगर टाइप, जहां से ओविडक्ट स्टार्ट हो रहा है, इनको क्या कहते हैं बताएं कमेंट में, जल्दी मैं पानी पी के दिखाऊंगा आपको।
पाउच टाइप नहीं, फिंगर टाइप का नाम बताएं, फिम्ब्री, वेरी गुड। ये वाली नहीं नजर आ रही क्या? फिम्ब्री, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्यों है? एग को कैच करने के लिए, नीचे ना गिर जाए, इधर उधर ना हो। अच्छा मुझे बताएं, एक या बात याद आ गई मुझे, ओवरी को कौन सपोर्ट करता है? ये ऐसे लटकी हुई है, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ी भाई, लिगामेंट है। देखें ये लिगामेंट लिखा है ना, ये लिगामेंट है जो ओवरी को खींचे हुए रखी है, ओवरी को मजबूत करके रखा है इस लिगामेंट ने। हाँ भाई, फंडस पे आते हैं, राम प्रकाश थोड़ा वेट। अब देखें ओविडक्ट के पार्ट्स, इस सारे पार्ट को यहां से लेकर सारे को हमने क्या कहा? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, मगर इसके तीन पार्ट हैं। ये जो मोटा सा रीजन है, ये कैसा? बेल टाइप, ऐसे जो रीजन है बेल टाइप, फनिल टाइप, इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम मतलब बेल टाइप, बेल होती है ना ऐसे, ऐसे होती है ना बेल, तो बेल टाइप जो फनिल पार्ट है इनफंडिब्यूलम, और इसको कहते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला, एम्प्यूला। और ये जो सीधा सा आ रहा है इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। अब कौन बताएगा फर्टिलाइजेशन कहां पे होगी, कहां पे होगी? मोस्टली इनफंडिब्यूलम में, इनफंडिब्यूलम में, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब आर ओविडक्ट। ठीक हो गया भाई, जनरली एम्प्यूला तक हो सकती है, इसीलिए मैंने कह दिया प्रॉक्सिमल पार्ट, यानी पहला जो पार्ट है, ठीक है, जो ओवरी के करीब है, उसको हमने कह दिया, उसको हमने कह दिया प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इंक्लूडिंग इनफंडिब्यूलम एंड थोड़ा थोड़ा एम्प्यूला। अच्छा आ जाए, ये एग यहां पर निकलेगा, अगर यहां से स्पर्म आया है तो यहां पे होगी क्या? फर्टिलाइजेशन। यहां पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्टिलाइज्ड एग निकलता आएगा, 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 इधर आएगा, ओ इधर, इस बड़ी बॉडी में। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। अब यूटेरस को देख लें, क्या है यूटेरस? यूटेरस एक पियर, उल्टी पियर शेप स्ट्रक्चर है, जो कि आपके मसाने के पीछे और रेक्टम के आगे, एनल ओपनिंग से रेक्टम ऊपर जा रहा है और वेजिनल ओपनिंग के साथ मसाना भी ऊपर जा रहा है, ऊपर है, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, ब्लैडर और रेक्टम के बीच क्या है? ये पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी में यूटेरस, जिसके अंदर बेबी डेवलप होगा। और ये जो है इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन लेयर्स हैं, तीन पार्ट्स हैं, तीन लेयर हैं। एक जो उभरा हुआ पार्ट है ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला ऐसे, इसको हम कहते हैं फंडस। एक को क्या कहते हैं? फंडस। इसका पार्ट है यूटेरस का पहला पार्ट फंडस, ऊपर वाला। और यहां से लेके भाई देखें, यहां से लेके यहां तक, यानी सर्विक्स को छोड़कर, ये जो यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं? बॉडी, मेन पार्ट, जहां पे बच्चा डेवलप होगा। अब अगर अगर यहां पे बच्चा इम्प्लांट हो रहा है यूटेरस के अंदर, सही है, यहां पे हो रहा है, सही है, यहां पे हो रहा है, सही है, जितना नीचे इम्प्लांट होगा उतना बच्चे के गिरने के चांसेस हैं। ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल जिनके अंदर जो बच्चा यानी जायगोट ब्लास्टुला एज में ना आकर इम्प्लांट होता है, यूटेरस में आके चिपकता है, यूटेरस की इनर वॉल में
एंडोमेट्रियम में, मैं पढ़ाऊंगा, आके चिपकता है ब्लास्टुला एज में आकर, यहां से मतलब जायगोट बना, ये मूव करता आएगा, ग्रो करता आएगा, क्लीवेज हो जाएगी, मोरुला बनेगा, ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला के अंदर जब ब्लास्टुला बनेगा फिर इम्प्लांट होगा, ब्लास्टुला नहीं बनेगा इम्प्लांट नहीं होगा, सही, जाया हो जाएगा, ब्लास्टुला के बाद चला गया इम्प्लांट नहीं होगा, जाया हो जाएगा, ब्लास्टुला एज जब तक बनी उस टाइम इम्प्लांट होगा, तो ब्लास्टुला टाइम पे बन गई तो इधर ही इम्प्लांट होगा, ब्लास्टुला टाइम पे नहीं बनी तो इधर इम्प्लांट होगा, अगर नीचे इम्प्लांट होगा, ऐसी फीमेल को कहा जाता है ज्यादा काम का नहीं करना काम काज, और वेट नहीं लेना, और जो है इतनी एक्सरसाइज या घूमना फिरना ये बंद नहीं अलो किया जाता, क्योंकि बच्चे के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर्वेक्स के ऊपर लोड होता है ज्यादा, और सर्वेक्स स्टिमुलेटरी लोड की वजह से होता है, बर्थ करवाता है, हम देखेंगे बर्थ कैसे होती है। अच्छा, अब ये बॉडी का काम क्या था, बच्चे को डेवलप करना, यहां पे बच्चा इम्प्लांट होगा, सही इम्प्लांटेशन क्या है, गलत इम्प्लांटेशन क्या है, हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है यूटेरस का, ये तीसरा पार्ट है भाई, इस तीसरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल, ये एक सर्वेक्स रीजन है, क्या है, सर्वेक्स है, और सर्वेक्स की ये पतली सी ये कैनाल है, इसको हम सर्वेक्स की कैनाल कहते हैं। अब तीन पार्ट हो गए यूटेरस की, फंडस बॉडी और सर्वेक्स। अब लेयर्स तीन है, कौन सी तीन लेयर हैं, गौर से देखें, ये भाई ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली मैं यहां पे बना रहा हूं, ये अंदर अंदर वाली लेयर है, ये अंदर अंदर वाली लेयर है, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, क्या कहते हैं इसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, अंदर वाली लेयर, क्या कहा मैंने इसको, एंडोमेट्रियम। और ये भाई ये लाल कलर की जो है ये वाली, ये मायोमेट्रियम, कौन बताएगा मायोमेट्रियम का मकसद क्या है, हाँ भाई, मस्क्यूलर, तो मुझे बताएं मायोमेट्रियम का काम क्या हुआ, बर्थ करवाना, बर्थ के टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इसको हार्मोन मिलेंगे, हार्मोन का नाम बताएं जल्दी में, जो बर्थ करवाता है, जिनकी इंटर पड़ी हुई है, हार्मोन का नाम, नहीं एस्ट्रोजन नहीं भाई, ऑक्सीटोसिन भाई, वेरी गुड मोहम्मद, पता नहीं क्या लिखा हुआ है आगे, नंदनी ऑक्सीटोसिन, आंचल ऑक्सीटोसिन, बिल्कुल ऑक्सीटोसिन, सिद्धांत सारे ऑक्सीटोसिन सही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो कि आता है जब सर्वेक्स पे लोड आता है, तो सर्वेक्स की मैसेज दिमाग पे जाती है, और दिमाग हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करवा के भेजता है, ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे आके काम करते हैं, मायोमेट्रियम ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चे को धक्का आता है तो बच्चा नीचे निकलता है, बर्थ होती है बच्चे की बर्थ के केनाल के थ्रू। हाँ भाई, सुने, अच्छा एंडोमेट्रियम का काम मैंने नहीं बताया, मायोमेट्रियम का बताया था, इजी था इसीलिए बता दिया। अब ये है बाहर वाली लेयर जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई है, ये वाली, ये एंडोमेट्रियम अंदर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली, और पेरीमेट्रियम बाहर वाली। पेरीमेट्रियम भाई कैप्सूल है, प्रोटेक्ट करेगा, ऑल अराउंड द यूटेरस होगा, एपिथेलियल सेल का बना होगा, और ये प्रोटेक्ट करेगा, मायोमेट्रियम मसल की बनी हुई होगी, और ये बर्थ में रोल प्ले करेगी, और उसके बाद मोटी लेयर है, और एंडोमेट्रियम क्या बताएं, अभी सुने, दो मिनट हैं, सुन लें, पीरियड खत्म कर रहे हैं, दो मिनट हैं, मुझे बताएं एंडोमेट्रियम को ग्रो करना चाहिए या नहीं, एंडोमेट्रियम को सॉफ्ट होना चाहिए या नहीं, एंड्रोमेट्रियम को मस्क्यूलर होना वस्क्यूलर होना चाहिए या नहीं, क्यों भाई, आप कहेंगे सर सॉफ्ट इसलिए कि ब्लास्टुला एज में जायगोट आके चिपक सके, अंदर जा सके, इम्प्लांट हो सके, इम्प्लांटेशन कहते हैं इसको, ओके। और वस्क्यूलर इसलिए क्योंकि जैसे वस्क्यूलर होगा तो मदर का जो फूड है, कनेक्शन है, वो बच्चे को
फूड प्रोवाइड करेगा, तो वस्क्यूलर होना भी जरूरी है इसकी ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए है। अरे चाचू आवाज आ, इसकी ग्रोथ का होना जरूरी है, ठीक है ना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, तकड़ी गाल कर मुजीब है क्लास में, आप को गलाए बढ़ जाए, आप क्लास बढ़ दो बीठो। हाँ हाँ ऑनलाइन ठीक है, लिंक हाँ पूरा थी क्लास अपलोड कया तो लेक्चर को बुधी बढ़ जाए। हाँ जो तो कम हूँ ब्राए को गाल करे पायो। हाँ भाई, तो ये अब मुझे सवाल बताएं तो मैं पीरियड करूं पूरा। मुझे सवाल बताएं, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंसेस होते हैं, यहां से यूटेरस से ब्लड निकलती है, तो उस ब्लड में मायोमेट्रियम टूट के निकलती है, एंडोमेट्रियम टूट के निकलती है, या एपी पेरीमेट्रियम टूट के निकलती है? एंडो एंडो एंडो, क्यों? क्योंकि हर मंथ जब एग प्रोड्यूस होगा कितने, कौन से दिन, 14th डे पर, तो ये 14th डे ये एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, वैस्क्यूलर होती है, सॉफ्ट होती है, बड़ी होती है, क्या क्यों, ये ब्लास्टुला आएगा, इम्प्लांट होगा और यहाँ पे बच्चा डेवलप होगा। मगर जब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, जब स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता, तो स्पर्म के फर्टिलाइजेशन ना होने से ब्लास्टुला नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होती, तो वो सारी जो मेहनत थी एंडोमेट्रियम की वो रिमूव हो जाती है। इसके पीछे राज क्या है, प्रोजेस्टेरोन की कमी का रीजन है, ये क्यों है, ये हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ब्लीडिंग कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, एंडोमेट्रियम का क्या इफेक्ट है, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। हाँ भाई, फिंडी का काम पढ़ लिया, ओविड का, यूटेरस का, वेजिना का, सर्वेक्स का, सारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सर्वेक्स और वेजिना दोनों मिलकर क्या कर रहे थे, बर्थ केनाल का काम कर रहे थे, और स्पर्म इंजेक्ट इंसेमिनेशन में वेजिना यूज हो रहा है, स्पर्म को ट्रांसफर होने में सर्वाइकल केनाल हेल्प करती है, ये रूट लेकर स्पर्म जाता है यहाँ तक, ये पूरा रूट एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में से स्पर्म को गुजरने के लिए स्पर्म के साथ बेसिक फ्लूइड का होना जरूरी है, दैट इज सेमी कल्चर। सर्वाइकल के लिए थोड़ा बताएं, सर्वाइकल केनाल ये देखें, यहां से ये जो मैं लाल लाल कर रहा हूं ज्यादा, ये क्या है, तो मायोमेट्रियम है ना भाई, और ये बाहर वाली पेरीमेट्रियम, अंदर वाली एंडोमेट्रियम। ये सर्वेक्स के अंदर भी तीन लेयर है, बॉडी के अंदर भी तीन लेयर है, फंडस के अंदर भी तीन लेयर है, ठीक। तो इन तीन लेयर और इन तीन लेयर के बीच जो केनाल बन रही है, ये सर्वाइकल केनाल है, इसकी मसल्स टाइट होती है जब प्रेगनेंसी होती है, ये बंद होता है सर्वेक्स, क्योंकि बंद क्यों होता है, क्यों टाइट होता है, क्योंकि बच्चा ना गिरे नीचे, प्रेगनेंसी को होल्ड करने में सर्वेक्स का काम है, सर्वेक्स के मसल टाइट होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे का जो हेड है ना, ये बर्थ का टॉपिक है जो आप पूछ रहे हैं, मगर थोड़ा मैं बता रहा हूं, बच्चे का जो हेड है वो आके स्टिमुलेट करता है सर्वेक्स की मसल को, जैसे बच्चे का हेड आकर लगता है, बच्चे का हेड नीचे होना जरूरी होता है, पांव ऊपर होने जरूरी होते हैं, वो सही बच्चा होता है, कभी कभी बच्चे के पांव नीचे होते हैं, हेड ऊपर, वो सही नहीं होता, उसकी बर्थ सही नहीं होती, उस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, सीजर करते हैं, तो हेड क्यों होना, क्योंकि हेड फोर्स करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, इसको स्टिमुलेट करेगा सर्वेक्स को, और वो सर्वेक्स मैसेज भेजेगी ब्रेन को, तो ब्रेन ऑक्सीटोसिन भेजेगा, फिर सर्वेक्स तो क्या, पूरे यूटेरस के मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे और सर्वेक्स के मसल ढीले होना शुरू करेंगे, ऊपर से जोर आएगा और बच्चा बच्चा बर्थ होगा बच्चे की, और यहाँ पे जो गेस्ट्रेशन पीरियड होगा, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ये पूरा होगा। कौन बताएगा प्रेगनेंसी का पीरियड कितना है, गेस्ट्रेशन पीरियड कितना है, कमेंट में बताएं कितने मंथ है। हाँ भाई, एक एडवाइस आप सबके लिए, स्क्रीन पे आया है नेशनल आइसक्रीम डे, क्या है भाई ये नेशनल आइसक्रीम डे, किसी ने भेजा है क्या, या मुझसे कोई याद लग गया। सुने, एक और बात, आपने कल मेगा टेस्ट देनी है, आवाज कम आ रही है क्योंकि लाइट का इशू हुआ है अभी अभी,
आपने कल मेगा टेस्ट देनी है, कितना भी स्कोर आए आपको मोटिवेट रहना है, भले स्कोर कम आ जाए, हाँ 9 मंथ होता है, ठीक हो गया, गुड। कल मेगा टेस्ट सबको देनी है, कल मेगा टेस्ट आपसे हम दूसरी ले रहे हैं। मेगा टेस्ट का क्या फायदा होगा, जो चीजें आप भूले होंगे, 200 MCQs हैं, आप उन कोई ना कोई चीज नहीं सीखेंगे, आप 200 पॉइंट्स नहीं सीखेंगे और 200 MCQs सॉल्व करेंगे, उनमें से जो आपको प्रॉब्लम्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। मतलब आपके जो रह रहे हैं एरियाज जहाँ पे आप वीक हैं, मे भी वो आपके क्लियर हो जाएं, आपके डाउट क्लियर हो जाएं कुछ ना कुछ, और इन 200 में से एक या दो PMC में आपके पास आ जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। तो स्कोर कितना भी आ जाए आप ये वहम ना करें, तैयारी है नहीं, कौन क्या कहेगा, कौन क्या कहेगा, टेस्ट दें और जो कहेगा हम उसका रिजल्ट भी छुपा देंगे, ठीक है ना। बच्चे ये बेइज्जती समझते हैं कि ये बड़ी बेइज्जती है, स्कोर कम आया, कोई बेइज्जती नहीं भाई, बेइज्जती ये नहीं कि स्कोर कम आए, वो भी बेइज्जती नहीं कि स्कोर कम होता जाए, है ये कुछ है, कुछ है, कुछ मान लें कि आज 100 फिर 90 हाँ फिर 80 ऐसे तो नहीं, ओके हाँ बिल्कुल, नमाज का टाइम हो गया है, ओके ओके, कल छुट्टी है, कल सर राजेश ने क्लास कहा है क्या केमिस्ट्री का, आपको क्या सर अनाउंस करके गए हैं, क्लास है कल भी, वाह वाह, चलो केम चलेगी, मैं नहीं चलाऊंगा बायो का क्लास कल इंशाल्लाह, और आपको टाइम देंगे, ठीक है ना, ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू, विश यू गुड लक फॉर मेगा टेस्ट, सेकंड मेगा टेस्ट।